Yadav and welcome back to another video. वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम किसी भी स्ट्रेंजर को पकड़ के पूछेंगे कि हमें कोई चैलेंज दो। क्या देखो वीडियो कंटेंट खत्म हो जा रहा है और मेरे पर कंटेंट को बच नहीं रहा, तो अब ये करना ही पड़ेगा। तो हम किसी स्ट्रेंजर को ढूंढते हैं अपने पास में एंड पूछते हैं उसको कि हमें कोई चैलेंज दो आप, और देखते हैं उसका चैलेंज हम पूरा कर पाते कि नहीं। सो आई थिंक ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक का बटन अभी दबा दो और वीडियो शुरू कर दो जल्दी से। सो अब हम चल रहे हैं अपने मिशन पे, एक स्ट्रेंजर ढूंढो, तो और जल्दी चलते हैं और ढूंढते हैं यार कि कोई हमें मिल जाए ऐसा कि हमको बता सके। अब आंटी चली गई, आंटी में नो करते हैं तो थोड़ा शर्म आ जाती है, पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो इनसे पूछते हैं भाई एक चैलेंज दोगे मेरे को कोई? अरे भाई अभी लेट हो गया, पकड़ते हैं भाई। मेरा एक फूड चैनल है तो फूड शर्मा के नाम का, तो मैं वीडियो कर रहा हूँ। कुछ चैलेंज दो महीने वीडियो, तो यार मुझे ना एक चैलेंज चाहिए जो मैं कर सकूँ पूरा। अब आपके ऊपर आपको क्या चैलेंज दोगे मेरे को? किस टाइप का वीडियो है? मेरी वैसे नेचुरल फूड वीडियोज है, तो मैं कुछ मतलब चैलेंजेस करता हूँ वो। अच्छा लिसन, तो आप मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि आप आधे घंटे में मैक्सिमम 10 आइटम्स कोई भी खा के दिखाइए। ओके कैसी आइटम्स खाऊँ? मतलब मैं स्टीम खाऊँ, फ्राई खाऊँ, या फिर और भी क्या क्या हो सकते हैं? मतलब कुछ मतलब फ्रोजन भी हो सकते हैं, मैं क्या खाऊँ? मैं फ्राइड खा दूँ। फ्राइड भाई साहब ने मेरे शरीर को देखकर फ्राइड का, पर कोई नहीं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। लेट्स सी, तो मैं इनका चैलेंज ऑन कैमरा एक्सेप्ट करता हूँ, एंड अगर मैं नहीं कर पाया तो भाई नहीं कर पाया क्या होगा, ऐसे में बड़ी बात होगी। लेट्स सी, लेट्स सी, अब तो करना पड़ेगा भाई। तो यार मुझे अब चैलेंज मिल चुका है स्ट्रेंजर से, एंड अब मैं उसको करने जा रहा हूँ पूरा। तो होप सो कि हो जाए, वैसे वो लगना है 30 मिनट्स में। मुझे 10 फ्राइड चीज़ें खानी है यार, 5 भी हो जाए ना वो भी बहुत है, पर अब कोशिश करते कि हो जाए एंड बस शुरू करते। तुरंत नगर आए वैसे हम फिर से, जहाँ पर स्ट्रीट फूड मिलता बहुत बढ़िया, तो ट्राई करते जल्दी से एंड आप देख सकते हैं कि मस्त। तो ये मैं 30 मिनट्स का टाइमर है एंड ये अभी शुरू होने वाला है, तो फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी आप सब बांध लो और चलो मेरे साथ ये 30 मिनट चैलेंज करने के लिए। तो मेरा टाइम शुरू होता है अब, तो 30 मिनट है एंड फटाफट चलते हैं अपने पहले उसके लिए। तो हम निकल चुके हैं अपने पहले उसके लिए, निकल चुके हैं पहले फ्राइड फूड खाने के लिए, एंड हम जा रहे हैं स्प्रिंग रोल और मूंग दाल पकौड़े लेने के लिए, राम लड्डू टाइप मतलब जो भी है, तो देखते हैं अब। तो हम आ चुके हैं इधर जहाँ पहले भी आए थे एक बार। भैया एक प्लेट स्प्रिंग रोल और एक प्लेट राम लड्डू जल्दी लगा दो, मेरा चैलेंज चल रहा है। तो चैलेंज शुरू हो चुका है एंड यहाँ पे स्प्रिंग रोल लगने शुरू हो गए हैं और राम लड्डू भी लगने शुरू हो गए हैं। सो भाई मेरा फ्राई फूड चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, दो चीज़ें बोल दी है और भी कुछ देखता हूँ फटाफट से मिल जाए और जल्दी से जीत जाए। प्रिंटर ने दिया तो जीतना पड़ेगा भाई अब। तो मेरे राम लड्डू आ चुके हैं। सो भाई 2 मिनट निकल चुके हैं, सो राम लड्डू आ चुके हैं। ये हमारा पहला, ये पहला हमारा फ्राई चीज़ है, पहला डन हो चुका है। ये दूसरा स्प्रिंग रोल बहुत गर्म है भाई, तो भाई हमारा टाइम तो स्टार्ट हो चुका है, तो टाइम तो स्टार्ट ही होगा। तीसरी चीज़ ढूंढते हैं, दो तो हो गई, चलते हैं। बहुत मिर्ची थी तो अभी हमने अपनी दो चीज़ें खा ली है, फ्लाइट कंप्लीट कर ली है एंड अब चल रहे हैं तीसरी चीज़ खाने के लिए। तो तीसरी चीज़ के लिए अभी हम आगे जा रहे हैं, शायद कोई आलू टिक्की का कुछ है तो हम वहाँ जा रहे हैं अभी करने के लिए। देखते यार मैं यहाँ से पसंद कितने मिनट हो चुके हैं, मतलब 4-5 मिनट निकल चुके हैं, तो फटाफट चलते हैं आगे एंड देखते हैं कहाँ पे है वो। यहाँ पे वैसे सेम चीज़ें तो वही है, राम लड्डू वगैरह ये सब, ब्रेड पकौड़े भी है वैसे तो, और हमारे 6 मिनट निकल चुके हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, टाइम तो चली जा रहा है। सो भाई मेरे अभी 8 मिनट निकलने वाले हैं एंड मुझे दिख गई आलू टिक्की, ये रही, तो ये हमारी रहेगी अगली फ्राइड चीज़, तो इसे फटाफट से खाते हैं। सिंगल पर टिक्की का ऑर्डर दे दिया हमने, फटाफट से खाते हैं एंड हमारा टाइम भी निकला जा रहा है, तो इसको मिला के 3 चीज़ें हुई इस तरफ। ये मेरा इतना टाइम हो चुका है एंड यहाँ टिक्की अभी ऑलमोस्ट सबकी बन रही है, तो यार अब वेट तो करना पड़ेगा हमको।
समझ नहीं आ रही, पर टाइम हो चुका है ज्यादा। ये हमारे अर्टिक की आ चुकी है, तो अब फटाफट से टेस्ट करते हैं। आप अपनी करते हैं ये, तो ये है अपनी, ये अपनी थर्ड आइटम है शायद, हाँ थर्ड आइटम है। तो फटाफट से खाते हैं इसको। इसको रैप अप करके करते हैं अपने फोर्थ जवाब है, मतलब फोर्थ चीज़ खाने के लिए। तो भाई अभी हमने अपना थर्ड चीज़ खा ली है एंड हम शुरू करने वाले फोर्थ चीज़, पर मिल नहीं रही है वो। सो अभी ढूंढते हैं यहाँ पे कहाँ मिल सकती है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी यार। तो लेट्स फाइंड आउट, मेरा टाइम भी ख़त्म होने वाला है, समझ नहीं आ रही, रात भी होने वाली है। फिर से चल पड़े हैं आगे की ओर को देखने के लिए, एंड आई गेस कि मैं शायद से ये चैलेंज हार सकता हूँ। तो यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं हार गया तो हार गया, मैं क्या करूँ भाई। अब उसने भी आधे घंटे में चैलेंज दिया, आधे घंटे में 10 चीज़ें कैसे खा ले कोई बंदा, एक घंटा होता तो बंदा खा भी सके, आधे घंटे में कैसे खा लेगा कोई भाई। मैं ये मोमोज पॉइंट भी गया, यहाँ पे हम खाने वाले हैं वेज मोमोज फ्राइड वाले। तो फ्राई वाले हैं कि हमारे हो जाएंगी, फिर हमें 4 आइटम हो जाएगी। तो जल्दी से ऑर्डर देते हैं एक बार। एंड ये हमारी चौथी चीज़ रहेगी, तो अभी समझ नहीं आ रहा बाकी 6 चीज़ें कहाँ से लाऊँ, टाइम भी नहीं बचा है। सो हमारे अभी 16 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं। सो बाकी के 14 मिनट हम कैसे करेंगे, मतलब चलो देख लेते हैं एक बार। हमारे फ्राई वेज मोमोज आ चुके हैं एंड फटाफट से इसको ट्राई करते हैं। एंड हमारे अभी मैच लगा लो आप कितनी है, मतलब 16 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारे, तो ट्राई करते फटाफट से। मतलब हमारी फोर्थ आइटम है ये हमारी। सो भाई फोर्थ आइटम हो चुकी है, हमारे 17 मिनट हो चुके ऑलरेडी। तो यार अब मैं ये चैलेंज क्विट करता हूँ, क्योंकि यार जिम मेरा भाई जिम ट्रेनर भी देखता है, और मैं इतना फ्राई खाऊंगा तो फट जाऊंगा भाई। मैं अपना चैलेंज यहीं क्विट करता हूँ, हाँ मैं हार गया मान जाता हूँ, क्योंकि यार देखो इतना फ्राई नहीं खा जा सकता। सो मैं कुछ नहीं कहता। अब हमारे अभी भी 18 मिनट हो चुके हैं, पर अब बस अब आई क्विट। सो गाइस अपना चैलेंज हम यहीं ख़त्म करते हैं आज के लिए। एंड ये चैलेंज करने बहुत मज़ा आया, जिससे भी हम भाई से मिले वो वीडियो देखे तो यार थैंक यू कमेंट कर देना ज़रूर हमें नीचे, कि हमें आपका चैलेंज पूरा नहीं कर पाए, पर अगली बार हम कोशिश करेंगे कि ये चैलेंज 60 मिनट करें, आज पक्का प्रॉमिस है, अगली बार हम ये पक्का करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, जब तक टाटा, ओके, टेक केयर, बाय।